Today we are going to study the last biomacromolecule or a small molecule having a low molecular weight less than 800 Dalton. तो आज ये आपका आखिरी biomacromolecule है, वो है आपका water. जैसा कि आपको पता है कि 70% our earth is surrounded by water और बिना water के हमारे origin of life भी possible नहीं था. और ये आपको पता है कि ये जल मे बी हॉट और मे बी कोल्ड, मे बी मेराइन और मे बी फ्रेश वाटर. तो कई तरह का पानी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के इसमें जीव पाए जाते हैं. तो आज थोड़ा सा परिचय करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन बायोलॉजी. एज यू नो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल. मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल अकर ओनली अंडर द एक्वाटिक कंडीशंस. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं. और एज यू नो इट इज जस्ट ए मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम एंड मोर ओवर इट इज अ पोलर कंपाउंड. लेट अस सी वन बाय वन द मोस्ट अबंडेंट केमिकल. ठीक है, इन आवर सेल और बायोमोलिक्यूल इन ए लिविंग ऑर्गेनिक, वो है आपका वाटर. ठीक है, एंड इट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70-80% पार्ट ऑफ द वाटर. जैसा कि आपको मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चंस हैं. ड्राई सीड में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 10-15% वाटर इज देयर, बट स्टिल द लाइफ इज देयर हैविंग अ वेरी लो मेटाबॉलिज्म. बट व्हाइल यू टॉक अबाउट ए हाइड्रिला जलीय पौधे, तो उनमें जो है 95% और 99% तक पानी हो सकता है. ठीक है, इस तरह से आप जो है वाटर जो है हमारे प्रोटोप्लाज्म का या हमारे सेल का जो है इट कॉन्स्टिट्यूट 70-80% और अदर यू कैन से द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ए सेल. समथिंग मोर अबाउट इट, वाटर जो होता है ये एलिक्सिर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का अमृत है. इसके बगैर हमारी मौत निश्चित है. ज़्यादा पानी अगर हमारे बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं. तो वहाँ पर पानी की दो बूंद भी जो है वो अमृत का काम करती हैं. ये हमारे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट सर सी वी रमन साहब कह रहा था कि वाटर इज ए लाइफ गिविंग फोर्स टू ऑल. इसके पीते ही जो है चेहरे पर चमक आ जाती है और इसके बगैर हमारी कोई भी क्रिया हो नहीं सकती. दुनिया के जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो सब एक्वाटिक कंडीशंस में एनवायरनमेंट में ही होते हैं. इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में. और आप ये कह सकते हैं नो वाटर नो लाइफ द ट्रू मेडिसिन. अगर देखिए एंड वेरी नियर टू आवर हैंड, हमारे बहुत ही निकटतम पहला हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है वो पानी ही होता है. और सबसे सिंपल बायोमोलिक्यूल जो है वो आपका H2O है. ओके, और देखिए वाटर इज लाइफ, कितना अच्छा यहाँ पर जो है एक कोटेशन लिखा हुआ है. वाटर इज लाइफ, मैटर है. ठीक है, और मैट्रिक्स भी है. आप जरा देखिए हमारी बोन की मैट्रिक्स जो लोग ड्राई होती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लीवर और द एक्वाटिक और लंग्स एंड इवन द मसल, द मीडियम इज कैसा होता है, एक्वाटिक होता है. तो वहाँ मैट्रिक्स होती है, फ्लूड होता है. मदर भी है और मीडियम भी है जिसके द्वारा हमारी जो है जीवन की ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस आर ड्यू टू वाटर. एंड इट वॉज सेट बाई एल्बर्ट वन साइजेंट ग्वारी एंड ही गॉट नोबल प्राइज 1937. तो यू कैन जस्ट इमेजिन, कल्पना कर सकते हो कि इतनी मैंने बातें जो आपको बताई हैं कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में. ठीक है, ठीक. और देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है. अब अगर आप जाएँ तो लाइफ जो है हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, स्टेट में, रीजन में सबसे ज़्यादा है. और एज वी मूव टूवर्ड, जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या साउथ की ओर जाएं, वैसे वैसे ही लाइफ हमारी कम होती जाती है. ठीक है, लाइफ इज अ वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है और जीवन ही पानी है. ठीक है, इस तरह से ये है. वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हाई डू वी कॉल इट एज ए यूनिवर्सल, क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड कैन बी ठीक डिजॉल्व इन इट. इसलिए जो है इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल हैं वो सारे के सारे इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और इससे बड़ा कोई भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट दुनिया में नहीं है. ठीक है, नाउ अब हम इसके बारे में बताएंगे.
फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, क्या वजह है कि पानी को इतना खूबसूरत जो है अणु चुना गया है जीवन के लिए। पहला देखिए, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि आप जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, नॉर्थ ठीक टेम्परेट रीजन में पूरी बर्फ़ बर्फ़ जमी होती है, तो समुद्र के पानी के सरफेस पर इतनी बर्फ़ जमी होती है तो वो क्या करता है, ठंडे को कोल कर बर्फ़ बना लेगा, लेकिन नीचे का टेम्परेचर बना रहता है तो सारी जितनी एक्वाटिक लाइफ होती है बची रहती है। इसलिए जो है वाटर, याद रखिए, इसकी जो है एक्सपेंड करता है, फैलता है, यानी वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, जबकि पानी का कम है और बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, कि वो आराम से उसके ऊपर तैरता रहता है, एंड बिकॉज इट इज़ लेस डेंसर देन वाटर। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। वाटर हैज़ ए मैक्सिमम डेंसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो है सबसे ज़्यादा वो होती है, नॉट 40, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है। आपको पूछा जाता है सवाल कि किस टेम्परेचर पर जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और इसका क्या यूनिक हाई सरफेस टेंशन एरिया भी इसका सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल चारों ओर बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है। और देखिए हाई हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इन इट टेक्स मैक्सिमम टेम्परेचर टू गेट वेपोराइज, और हाई इसकी सॉल्वेंट पावर भी सबसे ज़्यादा होती है, एंड दिस इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल। व्हाई डू वी कॉल इट पोलर, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों ही इसके ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए जो है दिस इज द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल। इन द व्हाट सेंस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के कारण जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ओ की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और पानी के हाइड्रोजन के एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और दैट मेक्स इट ए पोलर कंपाउंड। ओके, तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या इसकी खास बातें हैं और जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वाई एक मेडिसिन की तरह काम करता है, और ये हमारे लिए मैटर भी है, मैट्रिक्स भी है, हमारी माँ भी है, और हमारे लिए माध्यम भी है, और लाइफ के बिना, इस पानी के बिना कोई लाइफ नहीं है, एंड वेरी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इट मेक्स इट ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम आपके सामने बताने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ वाटर। बायोलॉजी में पानी का क्या महत्व है, इसे आज आप देखेंगे। वाटर जो है ये पोलर कंपाउंड है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो आपके सामने एक का डायग्राम बना हुआ है साफ साफ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर दो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचुरली जो है ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को और ये अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज को, तो यू कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल सराउंडिंग द, एक पानी के चारों ओर जो है कम से कम 5-6 मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, और ये जो है बहुत बड़ा रोल करता है, और यही वजह है, ड्यू टू हैविंग बोथ द चार्जेज ऑन द सेम मॉलिक्यूल इट कैन ईजिली डिजॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द पोलर कंपाउंड एंड दोज पोलर विच आर हैविंग ए चार्ज, नॉन पोलर इसमें नहीं डिजॉल्व हो सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और हम आपसे बात कर रहे हैं, ड्राई सीड कंटेन ओनली 15% वाटर, एंड यू कैन से कि मिनिमम जो है बायो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो आपकी सीड के अंदर होता है, सीड इज ए लिविंग, ऑलमोस्ट ड्राई प्रोटोप्लाज्म होता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन इसके बहुत ही स्लो होते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कारण जो है वो शो करता है कि हम जिंदा हैं, मर जाएंगे तो गेहूं का बीज आराम से, चने का बीज मरने के बाद तैरता रहता है, लेकिन अगर वो लिविंग है तो वो आपका पानी में बैठेगा क्योंकि वो जीवित है। ठीक है, अगर आप पानी को डिजोल्व कर देते हैं तो जैसे ही पानी को भिगो देते हैं, धान को या गेहूं को या चने को, तो इट गेट्स मैक्सिमम इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, एंड दैट परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रॉम 10 to 15% रीचेज टू 60%, देन द बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं बहुत ही तेज हो जाते हैं, जिससे जो है आपके सेलुलर एक्टिविटी होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राई सीड जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं, जबकि सोक्ड सीड जो होते हैं बड़े आराम से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और यही वजह है, बिकॉज यूनिवर्सल इट फैसिलिटेट द बायोकेमिकल रिएक्शन,
एंड यू कैन इजीली सी जब ड्राई सीड होते हैं उसमें आपको पता है इसके फूड रिजर्व जो होते हैं फैट हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है दे आर डिजॉल्व ओनली ड्यू टू हाइड्रोलिटिक एंजाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे आप कहते हो हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन टूटेंगे अमीनो एसिड बन जाएगा, फैट टूटेंगे तो आपको ग्लिसरॉल वगैरह मिलेगा, उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पानी जो है फैसिलिटेट द बायोकेमिकल रिएक्शन, यू नो दीज बायोकेमिकल रिएक्शन में भी एनाबॉलिक में भी कैटाबॉलिक एंड सो ऑन। ओके, वाटर हैज हाई एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव का जो मतलब होता है आपस में जुड़ने का, कोहेसिव जो है किसी दूसरे से। जैसे सपोज करिए हमारा गिलास है पानी का, उसके साथ जो है तो उसके सरफेस के साथ पानी जो है ये इसके साथ जो एडहेसिव फोर्स है, यानी वाटर इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ द अदर मैटर तो इसका एडहेसिव फोर्स बन जाता है, बट व्हेन इट अटैक इट्स ओन मॉलिक्यूल तब इसके पास कोहेसिव फोर्स होता है। तो ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं ये पानी को हमारे तने में एंजियोस्पर्म में वुडी प्लांट में ऊपर चढ़ने में बहुत ही फैसिलिटेट करता है, जस्ट नॉट ए कैपिलरी वाटर। तो इसके बगैर हम कोई भी मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वाटर जो होता है बहुत ही खास बात है, इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन सी द हाइड्रोजन बॉन्ड इन DNA और इन प्रोटीन और इन सेलुलोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर देयर एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बनता है कोवेलेंटली अटैच हाइड्रोजन एटम विद द कार्बन, आल्सो अट्रैक्ट्स अदर नेगेटिव एटम्स। वाटर रेजिस्ट जो है चेंज इन टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे आप मद्रास में जाएं, चेन्नई जाएं, केरला जाएं, तो वहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पानी जो है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और अलाउ नहीं करता इतनी जल्दी चेंज होने का। जबकि हम बीच में जब आएंगे, मैदान में आएंगे, तो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, दिन में जल्दी गर्म और रात को, क्योंकि वहाँ पार्ट में पानी नहीं है। और जब पानी हो जाता है तो हीट को अपने अंदर डिजॉल्व करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। फ्लोटिंग आइस जो होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है और वो पूरी सरफेस के ऊपर जम जाती है, और उसके नीचे जो है आप जाइए 100 मीटर 1000 मीटर जो है वो आराम से जो है ओशन लाइफ जो होती है, एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मैराइन लाइफ जो होती है वो उसके नीचे सर्वाइव करती हैं। क्योंकि ऊपर तो -2-4 भी हो सकता है लेकिन अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में पानी बना रहता है, जिससे कि पूरे समुद्र के अंदर जो है हमारी एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक फौना बड़े आराम से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, यानी इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एज अ रॉ मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के 2 रॉ मटेरियल होते हैं आपका, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर। यू नो CO2 जो है वो आपका कार्बन एटम देगी, और जबकि पानी जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच अलाउड टू हैव स्प्लिटेड अप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू ऑल ऑक्सीजन एंड एज वेल एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो मेन रूम से जो है ये फोटोसिंथेसिस में कल्पना नहीं कर सकते पानी के बगैर आप रॉ मटेरियल, जबकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपका H2S है लेकिन यहाँ पर आपका H2O। सो याद रखिए कि वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ओके, बम हाइड्रोलिसिस ऑफ मॉलिक्यूल। आप जानते हैं एनिमल किंगडम में जो है डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 70% जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपको पता लाइसोसोम में पाए जाते हैं और वे पानी के कारण ही, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर इन एक्वस मीडियम जो है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम फंक्शंस एंड दे डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स मटेरियल लाइक दैट ऑफ प्रोटीन को किसमें अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है उसको किसमें ग्लूकोज में, और लिपिड को आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और न्यूक्लियो एसिड को न्यूक्लियोटाइड में। इज ऑनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर एंड दैट इज डन बाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ओके, अगला पॉइंट देखिए सिग्निफिकेंस का, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो पानी में हुआ है, न कि रेत के ऊपर। ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है किस प्रकार से सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल धीरे धीरे सेल वगैरह बना। और लास्ट में हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट बिकॉज इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोस्फीयर हैविंग द बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा पानी जमता जाता है। ट्रॉपिकल में क्या होता है, हमको पानी भी मिल जाता है, वेपर भी मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो प्लांट की डेंसिटी पाई जाती है। तो इकोलॉजिकली हाइड्रोफिटिक प्लांट, ज्यूरोफिटिक प्लांट, हेलोफिटिक प्लांट आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्ले इन द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ
एज ए इकोलॉजिकल फैक्टर, वाटर एज ए इकोलॉजिकल, और पानी भी मतलब हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, यानी बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो वहाँ पर भी आप इसका महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। अब आखिर में हम आपको ला रहे हैं वीक इंट्रैक्शंस ऑफ वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब देखिए कितने बता रहे हैं, देखिए फॉर्म्स पानी से पानी के बीच H2O, ठीक, तो आपस में जो है ये मिल करके जो है ये हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वाटर कैन फॉर्म, ठीक, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड विद अदर्स, एंड इंट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड चार्ज सॉलिड, जितने भी आपके आयन होते हैं, कैटाइन है, एनाइन है, वो सारे के सारे जो है आपके पानी में डिजोल्व होते हैं, तो वो भी आपके वीक इंट्रैक्शंस हैं। और इंट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड नॉन पोलर, अब जैसे देखा होगा कि एक्वेटिक प्लांट CO2 कैसे लेते हैं, CO2 गेट डिजोल्व इन वाटर एंड फ्रॉम वाटर इट रीच द प्लांट बॉडी सरफेस, बट इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट वी गेट विथ एयर के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा मिलती है। इसलिए पानी के अंदर CO2 का डिजोल्व होना बहुत जरूरी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी घुली होती है, तो अवर एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक फौना जो है वो ड्यू टू डिजोल्विंग ऑफ CO2, O2 एंड नाइट्रोजन इन द वाटर एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, बम बम, पांचवा देखिए इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड नॉन पोलर के बीच हो सकती है। आपने देखा होगा कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो कैटायन का एक बेस का काम भी करते हैं और बेस का एसिड का भी काम करते हैं, तो उसमें भी ये इंटरेक्शन बना रहता है। और लास्ट में जो है वाटर हैज वीक वैंडरवाल फोर्सेस या इंटरेक्शन। तो आपके नीट के अनुसार जो है हमने काफ़ी आपको सूचना दी है कि पानी का लाइफ में क्या रोल है। ओके, नेक्स्ट वी शैल बी स्टार्टिंग द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।